सुजानपुर में बछदुआशती का त्यौहार बड़ी खुशी से मनाया गया। ये त्यौहार कई सालों से मनाया जा रहा है। इस त्यौहार को बच्चों की लंबी उम्र व उज्जवल भविष्य के लिए माताओं द्वारा व्रत रखकर मनाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है, जिसकी जानकारी में पुजारी ने बताया। मेरा नाम है। त्यौहार मनाते साल पिछों आता, इसे महीने आता है। सौन महीने से यह बछदुआ होती है। जिंदे धियां पुत्र नहीं हो तो सुखना करते, साढ़े घर धी पुत्र बछदुआ हो गए तो अं फिर सुखन चाढ़ांगे। ये सुखना चढ़े जाने तो लोग दूर दूर के सुखना देन आते हैं, तो जिंदे नहरा कंडे ने होर कित नहीं। इतने जल अं करनी है बछदुआ पूजनी है, बच्चे लिया उ बच्चे देही लाना, मिट्टी लानी मूँह नाल, नवे कपड़े बिच सुखन करते होंगे सेड़े दे पुत्रे दे नाते रोट पकाए दी होंगे, मिठी रोटी बनाई दी होंगी है। बस यो चढ़ाई दी है, बिच मरूद होंगे ने, बिच पैसे बस कुछ करते। बिल्कुल पूरी जनानियां कर दी, बुढ़िया तकर कर दी, हाँ करते। जिन्हें नहीं हो करते भी सुखना कर दी, सर घर पुत्र हो पर अगे माता राणी की बछदुआ की मर्जी है ना, दे देन तो ठीक है, नहीं देन तो वो मर्जी। ये तो पुत्र तो मिलते करमे न, ये बड़े चिरा का कित 100 साल को भी उपर हो चलता त्यौहार जरा अज तक चला त्यौहार। जियाँ साढ़े बुढ़ी बुढ़े पिछों बेचारे मर गए सारे ही है, अगे उन्या त्यौहार चली जा, अगे कुड़िया सारिया कर ले, अगे धियां पुत्र पोतरी पोतरे पटोतरे सब कर ले, सब लोग करते हैं। बिचे कोई नहीं पे निक्की कौम की बड़ी कौम की सारे करते हैं। हाँ जी, असं यह त्यौहार मना रहे हैं। त्यौहार यह 7 दिन तो चल रहा है, तो इस युग के बच्चे ही चल रहा है। ये सुहागणा का पुत्तां वाली मावां का उनका त्यौहार चलता है, ठीक है। तो बाकी ये त्यौहार 7 युग के बच्चे भी चलता ही, तो हूँ ये कल युग के बच्चे भी चल रहा है। कई सतियां तो मनाने तो हूँ भी असं मना ही रहे हैं। तो बाकी होर जो मावं पुत्तां वाली धियां पुत्त वाली मावं उन्हों का त्यौहार चलता है। ये त्यौहार जिन्या मावं पुत्तों वाली जिंदा धियां पुत मावं दे तो वह मावं मनाते हैं। ये पिछले युग तो चलता सस नूह का बनया है, अजी भी सस नूह ही मना आई ने। इस त्यौहार चने सेड़ते हैं, उसके बाद उ ना कट्टू बिच बनाते हैं, मावं बनाते हैं। तो ये पिछले युग के किसी सस ने वर्त रखे से, तो उन्हें वर्त रख के तो ये फिर अगर नूह ने भी बहू ने भी रखे से। नित्य नंदन शास्त्री भोलानाथ बद्रीनाथ शिवा राम मंदिर सुजानपुर पुल नंबर 5 से बोल रहा हूँ। आज बछ द्वादशी है, इस दिन जो है बछड़े से गाय का पूजन किया जाता है और गंगा के किनारे नदी के किनारे कहीं पे भी बच्चों की सुख शांति के लिए इसका पूजन किया जाता है। पूर्ण रूप से किसी बच्चे के ऊपर किसी की कुदृष्टि नज़र आदि लगी हो उसको दूर करने के लिए स्नान आदि करा करके सुख शांति की प्रकार प्राप्ति के लिए बच्चों की दीर्घायु के लिए ये व्रत परंपरागत अनादिकाल से मनाया जाता है। अनादिकाल बस अनादिकाल का मतलब हो गया बराबर पहले से परंपरागत। गाय का पूजन करना चाहिए, गंगा का पूजन करना चाहिए और भगवान मुख्य रूप से इसमें गाय और बछड़े से गाय का पूजन किया जाता है, गंगा का पूजन किया जाता है, बच्चों को स्नान आदि करा करके उनकी दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. Plus 2 तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी,
पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी, कौन नहीं करना चाहता। कारोबार में हो रहा घाटा, आदमी परेशान तो होगा ही। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।